इतना लेट हो गया है कि किचन में ही खाया जा रहा है और खिलाया जा रहा है, क्या हो रहा है ना, टेंशन नहीं है ना, कब उठना है, कब सोना है, और कितना भी लेट सोना है लेकिन उठना मॉर्निंग में ही है जब बच्चे का स्कूल हो तो। मिर्ची डाला है क्या? कहा मिर्ची बहुत था, नहीं डाला है क्या? हाँ कहा है? हाँ मिर्ची तो नहीं है। नमक तो लग भी नहीं है। नमक और डाले नहीं? डाला था इसमें, नहीं है ना, मैंने कि जब इसमें होता है ना आटे में, नहीं डाले रहा, बोले नॉर्मल ही बनाते हैं, ज़्यादा वो सब नहीं डालते, सिंपल सब। इतना मिर्ची तो नहीं लग रहा है आर्यन जैसे तुम लोग कर रहे हो। अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? रायता बनाओ। हाँ बनाएंगे। आपको याद आती है ना अपने पापा की, एक दिन सूरज चले जाते हैं तो याद आते हैं ना, कहते हो पापा मुझे नींद नहीं आती, पापा के बिना कहते हो ना, तो मेरे भी तो पापा के, मुझे नहीं याद आई अपने पापा के, तो मुझे भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है मुझे प्यार नहीं करते। क्योंकि ये हमेशा ना पापा जब तक रहे ये बिछा हुआ ही रहता था, पापा एक बार भी नहीं करते, जिस दिन गए थे पापा उसी दिन हमने इसको फोल्ड किया और उसके बाद आज ही हमने इसको बिछाया है। ये अभी और बड़ा हो सकता है, ये चीज और नीचे हो जाएगा तो फिर और बड़ा हो जाएगा।
इतना मैं ऊपर रहती हूँ ना, मुझे बहुत खलता है कभी कभी, बहुत ज्यादा खलता है। क्या करें, मुझे लगता है जल्दी से मेरा अपना घर हो जाए। ऊपर की वजह से ना मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ, यहाँ पे इतना ऊपर हो जाता है। ऊपर ओल्ड एज को चढ़ना उतरना ना बहुत दिक्कत होती है। हम लोग को क्या, चलो अच्छा है, चलो एक तरह से एक्सरसाइज हो रही है और ठीक है, हम लोग रह लेते हैं, सेट हो जाओ। हम सेट हो गए हैं। जब हम नाना जी के साथ मॉल गए थे ना, पापा तो एक सीढ़ी होती है ना, जैसे अपने आप ही चढ़ता है, पापा तो अपने पापा का हाथ पकड़ के चल रहे थे, यहाँ पे बैठते थे। देखते हैं, अभी हमने ना यहाँ पे इतनी धूप अच्छी आती है, हमने यहाँ पे टॉवेल दे दिया है खिड़कियों पे, कवर है ना, कवर पे धूप लग के उसका वो कलर हट जाएगा और अच्छा कलर होगा, उगेगा फिर। तो यहाँ पे खिड़की हटा देते थे पर्दा और धूप आती थी इस जगह। तो अब हो रही है पार्टी चने का छोला। तो ये हमने चना ले लिया है और देखिए ना, अभी बिल्कुल न्यू चना है, वही लग रहा है। और ये हमने एक प्याज ले लिया है बड़ा, दो टमाटर, इसमें है लहसुन, अदरक और सूखी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, खड़ा धनिया ने सारा इसमें पीस लिया है, एक ही साथ हमने सारा पीस लिया। और मैं बना रही हूँ कुकर में जीरा, एक पिंच हींग, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज, चला दी। इसमें मैं डाल देती हूँ नमक, सारे कुछ इसी में मैं डाल दूंगी, एक ही साथ हमें फ्राई कर लेना है, जल्दी पक जाएगा। हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बस इतना ही डालना है मुझे। और मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज, हमारा अच्छे से पक गया है और अब मुझे इसे पकाना नहीं है, अच्छे से गुलाबी कलर में आ गया है। साबुत धनिया हमने इसी में से मिक्स पीस लिया था, लहसुन अदरक के साथ धनिया पीस लिया था थोड़ा सा। मैं अच्छे से पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी दो टमाटर। मसाला आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा ना, तो सारी सब्जी आपकी अच्छी बन जाएगी। और ये नहीं है कि मसाला बहुत ज़्यादा देना है, ऐसा नहीं है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर डालूंगी और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी चना, ये चना ऐड कर देती हूँ। थोड़ा
थोड़ा सा चना भी फ्राई हो जाएगा इसमें मसाले में और टमाटर भी हो जाएगा। मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी, आप चाहे तो कवर लगा के भी इसको अच्छे से पका सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे भी पका सकते हैं, ऐसे भी अच्छे से पक जाएगा। इस तरह से इसको कवर कर देती हूँ, टमाटर भी गल जाए, उसके बाद फिर अच्छे से चना और मसाले थोड़ा सा और फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड अब मैं इसका कवर हटा के अब देख लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, मैं बिल्कुल पानी डाल के कम गैस का फ्लेम कम करके हमने छोड़ दिया था कि चना भी सीज जाए और मसाला भी हमारा फ्राई हो जाए। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल ये चना बिल्कुल रेडी है बनके, और अब मैं इसे दिखाती हूँ, ये चना बिल्कुल पक गया है। हमने कवर सिर्फ कवर ऊपर से किया था, मैंने लगाया नहीं था इसको। देखिए चना बिल्कुल हमारा रेडी है। यदि आप कुकर में भी इस तरह से बनाते हैं ना तो आपका पूरा जो होता है ना ये कवर कर जाता है और पक जाता है, बिना सीटी लगाए भी आपका अच्छे से पक जाएगा। ये चना बिल्कुल हो गया रेडी, और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। चना हमारे हमने निकाल लिया है एक बॉल में, और इससे धनिया की पत्ती डाल देती हूँ, और बिल्कुल सिंपल ही हमने बनाया है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, बस मिर्च मसाला धनिया पाउडर यही सब जो डालते हैं इतना चीज़ ही हमने डाला था, और चना की सब्जी बनकर रेडी है। और अब मैं बाकी खाना बना लेती हूँ, मैं इसे कवर करके। कैसे हैं, खाना हमारा बन गया था, फिर चली गई स्नान करने, फिर थोड़ा सा पूजा हो गया, फिर पूजा कर लिया हमने, और भी थोड़ा सा कुछ बना रही हूँ। ये देखिए समझ गए होंगे ना क्या बना रहे, तो वही बन रहा है। फ्रेंड खाना हमारा बन गया है, और खाना तो रेडी है, चक्का भी हमारा बन गया है, और मैं जा रही हूँ खाने के लिए। बच्चों सबको हमने दे दिया है खाना परोस के, और पांडे जी को, और मैं भी जा रही हूँ अब खाने के लिए। और ऊपर से प्रेस वाले जो कपड़े हैं ना, मैं प्रेस घर में करती नहीं हूँ, मेरे घर के बगल में ही है प्रेस की, तो वही से मैं करवा लेती थी, क्योंकि बिल ज़्यादा आता है घर में प्रेस करने से। तो वो भी कपड़े पड़े हैं इसी तरह से, क्या बताऊँ बड़ा एकदम। अब मैं ये कपड़े बाहर ही रखूँगी खुद से प्रेस करके, फिर इसको रख देंगे। बहुत मोटे हैं कपड़े। पांडे जी लोग उधर खाना पी थोड़ा सा नाश्ता पानी कर रहे हैं, बोले आप खाइए बच्चों को भी खिलाइए, मैं इधर थोड़ा सा समेट लेती हूँ। हेलो कैसे हैं, देखिए हमारे घर में बन रहे पानी पूरी, घर में ही बना रहे, सारा कुछ घर में है। ये देखिए कितना पूरी है, तो ये हम रखते हैं घर में, जब कभी आपको दिल करे आप बना के अपने घर में अच्छे से खा सकते हैं। रेडीमेड पूरी, रेडीमेड पैकेट पानी का मसाला जो होता है ना, ये देखिए इमली का पेस्ट है, ये इस तरह के पैकेट में आ जाता है।
ये पानी पूरी का मसाला बहुत पहले से हम ये सारा चीज जो है ना मैं घर में रखती हूँ, कभी कभी इमरजेंसी, कभी दिल किया तो। तो मैंने डाला चोखा और इसमें मैंने डाला प्याज, इसमें डाला मैंने दो चने और उसके बाद जो है ना आप डाल दीजिए इसमें से पानी। सबसे पहले हम खाए मोमोज चैनल। हाँ मोमोज तो कर लो, चैलेंज अभी कर लो कैमरा होने तो देखते कौन सबसे पहले अपना। सबके पास कितने कितने हैं? नहीं नहीं आप मत करो, आप मत करो बेटा, आप ये करो। मम्मा पापा मुझे नहीं।